मुझे तारीखें बताते चलिए आप। घटना कब है? 10/8/2019 की। थाने में मृत्यु हुई है, ठीक है। आदमी हवालात में था जिसकी मृत्यु हुई, सही है। थाने के अंदर था। अच्छा, तो थाना क्या समुद्र का किनारा है क्या? कोई भी आ जाएगा। सुनिए, आप थाने में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाए थे क्या? वो क्यों आया था थाने? फरियाद, वो फरियादी था जिसकी मृत्यु हुई है। मारपीट का मुकदमा था, वो आया थाने में रिपोर्ट करने। फिर आपने क्या किया उसके साथ? तो उसको गिरफ्तार कर लिया? गिरफ्तारी नहीं ले ली है। फिर वो हवालात के अंदर कैसे पहुंच गया है? हवालात में पहुंचने से पहले क्या उसको किसी भी पुलिस अफसर के टेबल या प्रभारी के कक्ष के सामने से, या हवालात के सामने कोई पुलिस वालों की टेबल होती है क्या? आप मुझे जरा थाने का डिजाइन बताइए। मेन गेट से जब आप थाने के अंदर घुसते हैं तो पहले किसका कक्ष या किसका टेबल आता है? हैं? HCM का आता है। फिर क्या होता है? और आपके थाना प्रभारी का कहाँ है? थाना प्रभारी का कक्ष कहाँ पर है? राइट पे, पर उसी कॉरिडोर पे है। और किस किस के कक्ष हैं? कंप्यूटर कक्ष और विवेचक कक्ष और है? थाने का बरांडा है, उसके बाद हवालात है। HCM के कक्ष में कितने लोग बैठते हैं? कम से कम 3 लोग बैठते हैं वहां पे। एक आदमी आता है रिपोर्ट लिखाने जो कि खुद किसी अपराध का अपराधी है, उसको गिरफ्तार किए बगैर आप लोगों ने हवालात में बंद कर दिए, ठीक है? बिना गिरफ्तारी के हवालात में बंद किया है, आपका यह कहना है? या वो खुद अपने जाके मन से कहा कि मेरे खिलाफ रिपोर्ट है इसलिए मैं हवालात में बंद हो रहा हूं? हवालात के सामने कैसे बैठा हुआ था जबकि आपके वो SHO का दफ्तर वहीं पे है, आपके HCM का दफ्तर वहीं पे है, आपके विवेचक का दफ्तर वहीं पर है, आपके कंप्यूटर सेक्शन का दफ्तर वहीं पर है? कैसे बैठा हुआ था थाने के अंदर बिना गिरफ्तारी के जबकि वो मुलजिम था किसी मुकदमे का? अच्छी बात है। फिर वो टहलते टहलते कह चला गया हवालात, बोले यार चलो हवालात में चलते हैं, है ना? फिर उसने क्या किया? ट्रॉफी कहां से आई उसके पास? उसके पास थी थाने में हवालात के अंदर किसी व्यक्ति को क्या क्या चीजों ले जाने की अनुमति नहीं है? नहीं है। हवालात में कितने और लोग थे? कोई नहीं था। तो हवालात खुली थी, आपके सिपाही और HCM बैठा हुआ था। ये आदमी जाता है हवालात का दरवाजा खोलता है। हवालात क्या बंद दीवार के पीछे होती है या फिर रॉड्स वाली एक आर पार देखने वाली एक दीवार होती है? वो आदमी फिर साफी से अपने फांसी का फंदा लगाता है, है ना? उसमें भी समय लगेगा थोड़ा सा। वो उसकी जो भी हाइट होगी, 4 फुट 5 फुट 6 फुट जो भी होगी, सामान्य भारतीय जो अगर हम ले लें 5.5 फुट, ठीक है, फिर वो किसी हुक से लगाएगा ताकि वो फंदा नीचे ना आ जाए। तो वो जब किसी चीज के ऊपर खड़ा होके लगाएगा, बांधेगा, ठीक है? वो आपको नहीं दिख रहा था, आपको दिख रहा था कि नहीं दिख रहा? थाने में कोई नहीं था? थाने में कोई नहीं था उस समय? थाना छोड़ के भाग चुके थे? हवालात में? मैं नहीं कह रहा हूं भाई थाने में,
आपका कहना यह है कि एचसीएम के कमरे के बाद हवालात आता है और यह हवालात के सामने बैठा हुआ था, तो क्या हवालात एचसीएम के कमरे से नहीं दिखता है? दिखता है। तो एचसीएम को क्यों नहीं दिख रहा था, हवालात में क्या हो रहा है? बिना अनुमति के एक आदमी अंदर चला गया है, नहीं दिखा उसको, फिर वो आदमी किसी फंदे से खड़े होके साफी से फंदा बना रहा है, नहीं दिखा, फिर उस आदमी ने फांसी लगा के लटक गया है, नहीं दिखा, या आपको नहीं दिख रहा है? ऐसे कर्म क्यों करते हो कि जब कोर्ट में खड़े होके सांस ऊपर की ऊपर हो जाए? अब ना तो आपसे सांस लेते बन रहा है और ना ही आपसे जवाब देते बन रहा है। क्षमा चाहने की बात छोड़ दीजिए, इसके बाद मुझे बताइए 11-8 को आपने का मतलब पुलिस विभाग की बात कर रहा हूँ, जहां भी हम अपने शब्द कहें हम आपकी व्यक्तिगत बात नहीं कर रहे, आपके पुलिस विभाग ने इनके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया, थाने पे उपस्थित सारे कर्मचारियों के खिलाफ 6 लोगों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज हो गया। कौन 6 लोग थे? जरा आप माइक पे आ जाओ, रिसाइड आओ माइक। सर एएसआई विजय सिंह राजपूत, एएसआई विजय सिंह राजपूत, मुझे लिखना धीरे धीरे, तत्कालीन थाना प्रभारी विजय सिंह राजपूत SHO जी, प्रधान आरक्षक अरुण मिश्रा, HCM अरुण मिश्रा, आरक्षक धर्मेंद्र, कांस्टेबल अभिनंदन धर्मेंद्र, आरक्षक नीरज प्रजापति, नीरज प्रजापति, आरक्षक आरक्षक विजय कुशवाहा, विजय कुशवाहा, सैनिक एहसान खान होमगार्ड सर, सैनिक है तो मतलब होमगार्ड है जी सर, होमगार्ड का सिपाही क्या कर रहा था वहां पे? सर ये क्या नाम इसका? एहसान खान, एहसान खान, ये क्या कर रहा था सर वहां पे, आने में क्या कर रहा था? ये पदस्थापना है वहाँ सर, किस चीज के लिए सर? और इसमें ड्यूटी रहती है सर, गश्त में भी जाते हैं लोग सर, सामान ड्यूटी करते हैं। हाँ नहीं, मुझे मालूम है सर, किस चीज के लिए लगी थी? कागजी कार्रवाई करने के लिए, कि इन्वेस्टिगेशन के लिए, कि SHO के साहब के साथ गश्त लगाने के लिए, किस चीज के लिए? कुछ आइडिया है आपको? सर गश्त करते हैं ये लोग सर, गश्त करते हैं, ठीक है। अब 11-8 के बाद डायरी पहली बार कब खोली? डायरी में देखिए मेरी शक्ल मत देखिए, 22/6 बोलिए। नहीं सर मेरी से आप यस की सर, मैं डायरी पूछ रहा हूँ, आपकी कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूँ। आपके डायरी के को पन्ने होते हैं ना प्रोसीडिंग्स के, सर वो खोल के बताइए कि डायरी पहली बार कब खुली? 11-8 के बाद, 11/8/19 के बाद, 11/8 को खुली सर, 11 को तो FIR कर दी आपने, तो उसके बाद कब खुली? सर जिस दिन FIR होती उसी दिन चालू रहती है डायरी सर। आप मुझे मत समझाइए, पन्ना कब खुला उसके बाद? 13/8 में क्या हुआ? 13/8 को क्या किया सर? इसकी PM रिपोर्ट प्राप्त हुई है सर, PM रिपोर्ट प्राप्त की है आपने, और क्या किया? CCTV कैमरे की सर फुटेज, CCTV कैमरे की फुटेज लिए जी, प्राप्त किए कि लेने के लिए कहा? प्राप्त किए, अच्छी बात है। फिर क्या हुआ? पत्र भेजा गया सर, हैं प्राप्त करने के लिए पत्र भेजा गया सर, वही तो मैं कह रहा हूँ सर। और
सर सीन ऑफ क्राइम यूनिट द्वारा सर निरीक्षण किया गया सर घटना सर को? सीन ऑफ क्राइम ने किया कि उसको कहा कि करो, निरीक्षण किया कि निरीक्षण करने के लिए कहा गया? उपस्थित हुए सर, आए हैं सर। ये अब इन्वेस्टिगेशन कौन कर रहा है? आप मैं कर रहा हूँ सर। अरे इस समय के 13-8 को ये सर उप निरीक्षक राधेश्याम शर्मा। वाह 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 वाह, कस्टोडियल डेथ में उप निरीक्षक। राधेश्याम शर्मा है ना, ठीक है। फिर क्या किया इन्होंने? सर एसडीओपी करेरा को सर उसका विवेचक नियुक्त किया गया सर। एसडीओपी करेरा को विवेचक नियुक्त किया गया। एसडीओपी करेरा को विवेचक नियुक्त किया गया, आईओ बनाया गया। ये 13-8 को ही निरंकारी जी, अब आप बैठ जाओ। या तो आप इन्वेस्टिगेशन करा रहे थे और 3 साल आपने कुछ नहीं किया। हाँ, कानून की जब मैंने प्रश्न बनाया है, फॉर्मुलेट किया, उसका आंसर चाहिए मेरे को, तब मैं आपसे बात करूंगा जी। अगली कार्रवाई किस तारीख को की? सर 16-8-19 को किया सर। 16-8-19 को, इस तारीख को क्या किया? इसकी शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुई है सर। अरे प्राप्त तो पहले हो गई थी 13-8 को, 16-8 को भी प्राप्त हो गई सर। विश्वा ड्राफ्ट तैयार करवाया गया था। मतलब आपने दो दो बार पीएम कराया है क्या? नहीं सर, उस दिन सर पीएम के लिए रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है सर। 13 को 13 को रिपोर्ट देने के लिए कहा? उनसे बताइए, अगर ये काला पीला करना हो ना तो हिम्मत रखा करो कोर्ट में फेस करने के लिए।